हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसीजन ट्री, वेयर आर दीज यूजफुल। ये क्वेश्चन सुमिता अरोरा क्लास 11 के चैप्टर कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट के टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज डिसीजन ट्री, वेयर आर दीज यूजफुल, मतलब डिसीजन ट्री क्या होता है और इसका यूज कहाँ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिसीजन ट्री क्या है। डिसीजन ट्री आर अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग रूल इन हेरेंशियल एंड सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो डिसीजन ट्री होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हेरेंशियल और एंड सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में, मतलब कि लाइन वाइज लाइन। और इसका यूज कहा जानते कहा है, इट इज यूजफुल इन लर्निंग एल्गोरिदम ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि जैसे कि प्रोग्राम में ढेर सारे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, तो पहले कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है, तो ये डिसीजन ट्री पहले बता देता है हम लोग को कि पहले स्टेटमेंट नंबर 1 चल रहा है, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 चल रहा है, फिर स्टेटमेंट नंबर 3 चल रहा है। तो इस तरह से ये हम लोग के लिए यूजफुल हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आज से मिलते हैं अगले वीडियो में।